potential for obtaining the inverse Laplace transform of a function of a product of two functions. This theorem states that if inverse Laplace transform of f bar s equal to f t means आपको अगर inverse Laplace transform f bar s का पता है, inverse Laplace transform of g bar s equal to g t, then इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ बार एस जी बार एस इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ यू जी टी माइनस यू विद रिस्पेक्ट टू यू विद इंटीग्रेटिंग लिमिट जीरो टू टी. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम. लेट फाइ टी इक्वल टू जीरो टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू. वी हैव टू शो दैट इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार एस जी बार एस इक्वल टू जीरो टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू. मुझे दिखाना है कि यह इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म है एफ बार एस बाय जी बार एस का. अगर हम लोग यह दिखा दें कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वल टू एफ बार एस इंटू जी बार एस तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा. इसलिए हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं फाइ टी का, और हमारी कोशिश है कि भी हम लोग दिखा सकें कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइ टी विच इज इक्वल टू एफ यू जी टी माइनस यू डी यू इक्वल ये बराबर है एफ बार एस जी बार एस के बराबर. अब लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइ टी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू फाइ टी. फाइ टी का वैल्यू यह दिया गया है डी टी. बस इसी प्रोसेस को फिर से मैंने इसी को मैंने यहाँ कॉपी किया है. अब अगर दोनों इस डबल इंटीग्रेशन का हम लोग ऑर्डर चेंज करते हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी यू टू इन्फिनिटी लिमिट चेंज हो जाएगा हमारा ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ यू जी टी माइनस यू डी टी डी यू. अब जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस यू ये टर्म मैंने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया है और यहाँ इसको कंपनसेट कर दिया है ई टू दी पावर एस यू से मल्टीप्लाई करके. हमारा रिजल्टेंट सेम रहेगा ई टू दी पावर माइनस एस यू एफ यू जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एस टी माइनस यू. आप इसको देख सकते हैं अगर एस यू से मल्टीप्लाई होगा तो यह पॉजिटिव हो जाएगा और यह इसके साथ आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा जी टी माइनस यू डी टी डी यू. अब टी माइनस यू के बदले में मैंने सपोज कोई वेरिएबल जेड सब्स्टिट्यूट कर दिया, इससे हमारा क्या हो जाएगा डी टी डी जेड के बराबर ही रहेगा. यहाँ हमारा चेंज होके हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस यू एफ यू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी माइनस यू के बदले में जेड रखे हैं, जेड हो गया जी टी माइनस यू के बदले में जेड जी जेड डी जेड. ये किसका डेफिनेशन है, इट इज द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन जी. देयरफॉर इसके बदले में आप लिख सकते हैं जी बार एस, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है जी बार एस इसको जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस यू एफ यू जी बार एस डी यू. जी बार एस यू के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, इसलिए इसको बाहर कर दिए. रिमेनिंग हमारा बच रहा है जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, दैट इज इट इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ. देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज एफ बार एस. हमारा हो गया एफ बार एस जी बार एस. क्या हम लोग प्रूव कर दिए कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइ टी वेयर फाइ टी इज दिस जीरो टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू इक्वल टू एफ बार एस जी बार एस. इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार एस जी बार एस इक्वल टू जीरो टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम. मीन्स हम लोग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे किसी फंक्शन का बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम. सपोज आवर क्वेश्चन इज ऑब्टेन द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस बाय एस स्क्वायर प्लस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम. कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोग को जिस फंक्शन पर जिस फंक्शन का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है उसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में इस रूप में एक्सप्रेस करते हैं कि दोनों फंक्शन का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म सिंपल तरीके से हम लोग ऑब्टेन कर सकें.
जैसे हमारा यहाँ प्रॉब्लम था एस बाय एस स्क्वायर प्लस वन एस स्क्वायर प्लस फोर, ये क्वेश्चन हमारा है। हम लोगों ने एफ बार एस एज्यूम कर लिया वन बाय एस स्क्वायर प्लस फोर को, जी बार एस एज्यूम कर लिया एस बाय एस स्क्वायर प्लस वन को। इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ बार एस, इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म हम लोग इजी वे में बता सकते हैं, वन बाय टू साइन टू टी है। सिमिलर वे में एल इनवर्स जी बार एस जी टी, जिसे हम लोग कहे हैं वन बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म हो गया कॉस टी। मीन्स दो फंक्शन के प्रोडक्ट, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था उसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट में हम लोग एक्सप्रेस कर दिए और दोनों फंक्शन का हम लोग इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन कर चुके हैं, कर लिए। एफ यू इक्वल टू वन बाय टू साइन टू यू, इसमें हम लोग टी को रिप्लेस कर दिए यू से। सिमिलर वे में जी टी माइनस यू हो गया हमारा कॉस टी माइनस यू। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है, एल इनवर्स एफ बार एस इंटू जी बार एस, यह बराबर होगा हमारा जीरो टू टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू का। एफ यू का वैल्यू हमारे पास है, जी टी माइनस यू का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इस फॉर्मूला में, मेरे पास हो गया जीरो टू टी हाफ साइन टू यू कॉस टी माइनस यू डी यू वन बाय फोर। अब सिंपल इंटीग्रेशन है हमारा, टू से वन बाय टू था, टू से डिवाइड किया, टू से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये हो गया टू साइन यू कॉस टी यू डी यू, टू साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्म पर है यह रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, साइन यू प्लस टी का इंटीग्रेट हो गया माइनस कॉस यू प्लस टी, और साइन थ्री यू माइनस टी का माइनस कॉस थ्री यू माइनस टी बाय थ्री इंटीग्रेशन हो गया, जहां हमारा इंटीग्रेटिंग लिमिट जीरो टू टी है। इंटीग्रेटिंग लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास यह रिजल्ट आता है, जिसे हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए, यह हमारा बराबर होता है वन बाय थ्री कॉस टी माइनस कॉस टू टी। दिस इम्प्लाइज एल इनवर्स एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू वन बाय थ्री कॉस टी माइनस कॉस टू टी। एक चीज आपको और मैं बता दूं कि यह हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कन्वोल्यूशन, मीन्स एफ बार एस जैसे हम यहां लिखे हैं जीरो टू टी एफ यू जीरो टी माइनस यू डी यू, यह बराबर हो